Welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence movement. Indian National Congress ki sthapna. INC yani ki Indian National Congress Bharat ka pehla aisa sangathan tha jo rashtriya star par safaltapurvak utar kar aaya. INC ka banna Bharat ke itihas ko ek nayi disha dene ja raha tha. INC ka astitv mein aana भारत की स्वतंत्रता की ओर जाने वाली एक नई राह पर पहले कदम को दर्शाता है। आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आईएनसी अस्तित्व में आई। 1857 की क्रांति के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और तेज हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा ने भी लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे लोग विश्व स्तर पर हुए घटनाओं से काफी प्रभावित हुए। अब पढ़े लिखे लोग राजनीति में भी सक्रिय होने लगे। शिक्षा ने लोगों की वैचारिक दायरे को बढ़ा दिया। उन्हें समझ आना शुरू हो गया कि अंग्रेजों से कैसे बरतना है। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देती है। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। उस समय के प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्न हैं। प्रथम, पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 1870 में महादेव गोविंद रेनेडे और उनके साथियों ने पुणे में स्थापित की। द्वितीय, इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में स्थापित की। तृतीय, मद्रास महाजन सभा, जिसे 1884 में बी सुब्रमणिया अय्यर, पी अनाडा चरलू और एम विरारा घवचारी ने मद्रास में स्थापित किया। चतुर्थ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलांग ने स्थापित किया। इन सभी दलों की स्थापना ब्रिटिश के प्रभुत्व के खिलाफ और भारतीयों को आवाज देने के लिए हुई थी, क्योंकि 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया था। उस समय अंग्रेजों द्वारा लिए गए निर्णय जनता को पसंद नहीं आ रहे थे, जैसे 1878 में आर्म्स एक्ट को पारित कर भारतीयों से हथियार लेने का अधिकार छीन लिया गया था। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया गया था, जिसके अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी लेख लिखना प्रतिबंधित था। और यही नहीं, अंग्रेजों द्वारा विरोध करने पर गिलबर्ट बिल को भी वापस ले लिया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि एक भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। प्रशासन द्वारा लगातार अनदेखी के चलते भारतीयों में रोष था। प्रशासन के इस रवैये ने लोगों को संगठित रूप से जोड़ने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार बहुत से राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आ गए। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे और वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। इन सभी दलों के होने के बावजूद भी पढ़े लिखे भारतीयों को एक कमी खल रही थी, और वह कमी थी एक अखिल भारतीय संगठन की, जिसकी चाह इल्बर्ट बिल के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। और अच्छी बात यह रही कि इस कमी को जल्द ही दूर कर लिया गया। 28 दिसंबर 1885 के दिन अलन ऑक्टावियन ह्यूम ने उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन से मंजूरी लेकर आईएनसी की पहली सभा आयोजित की। एओ ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल कर्मचारी थे, जिनके भारतीयों के साथ गहरे संबंध थे। आईएनसी की यह पहली बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता ओमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो भारत के प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे। यह सत्र काफी सफल रहा, क्योंकि इसमें कई प्रमुख राजनीतिक गुटों की अगुवाई करने वाले भी शामिल थे। आईएनसी इस सभा में ही सभी को एकत्र करने का उद्देश्य पूर्ण होता नजर आ रहा था। उसके बाद हर साल दिसंबर माह के अंत में आईएनसी की बैठक आयोजित की गई, और इन बैठकों को देश के कोने कोने में आयोजित किया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य विभिन्न प्रांतों में अपनी पकड़ बनाना था और वहां के लोगों को अपने साथ मिलाना था। आईएनसी का बनना कोई एकदम होने वाली घटना नहीं थी। अंग्रेजों ने आईएनसी को क्यों बनने दिया, एक अंग्रेज ने आईएनसी स्थापित करने में इतना योगदान क्यों दिया, ये प्रश्न सालों बाद भी कुछ बुद्धिजीवियों के मन में अंग्रेजों के प्रति संशय प्रकट कर रहे थे। 1916 में लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इन प्रश्नों के तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की।
उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी प्रस्तुत करते हुए अपने विचार रखे। उनके अनुसार आईएनसी को बनाने का निर्णय भारतीयों के हित को देखते हुए नहीं लिया गया था, बल्कि अंग्रेजों ने प्रशासन की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया था। अंग्रेजों को लगता था कि देश में हो रही कोई भी गतिविधि का पता उन्हें आईएनसी के माध्यम से लग जाएगा। जब आईएनसी उन गतिविधियों का नेतृत्व करने लगेगी तो उन गतिविधियों को काबू करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उस समय आईएनसी को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए बेहद आसान था। लेकिन जाने माने इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने इस सिद्धांत पर अपनी पूर्ण असहमति प्रकट की। उनका कहना था कि आईएनसी का गठन भारतीयों के कहने पर हुआ था और एओ ह्यूम लॉर्ड डफरिन के यहाँ इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस प्रकार आईएनसी के गठन को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय रही, लेकिन इन विचारों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों का एक राष्ट्रीय स्तरीय संगठन को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य जो पूरा हो गया था। आईएनसी का गठन करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य रहा, इस पर बात कोई पुख्ता नहीं हो पाई, लेकिन अंग्रेजों का यह निर्णय भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अहम वाक्या जरूर साबित हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भारतीयों की बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफलता से जुड़े सभी महानुभावों को सलाम करते हैं। जय हिंद।